हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम कर रहे हैं नॉवेल्स का सेकंड क्लास, गोथिक, हिस्टोरिक और रियलिस्टिक नॉवल हम इस क्लास में करने वाले हैं। एक वीडियो में इसके बारे में पहले डाल चुका हूं, वो जाके देख लीजिए। उसमें फीचर्स ऑफ नॉवल्स हैं और पिकारेस्क्यू नॉवल आपके बारे में बता रखा है। ठीक है, नॉवल्स के सभी राइटर्स को हम इसके अंदर कवर कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं। आज की सबसे बड़ी इन अनाउंसमेंट क्या है, 9 AM to 9 PM तक आज के दिन अप्रैल 5 को आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो इंग्लिश सेक्शन का ही होगा, 50 मार्क्स का। और इसका टाइमिंग रखा गया है 1 आवर एंड 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहीं पे लैग तो नहीं कर रही है, या कोई सेक्शन आपको कौन सा सेक्शन इंप्रूव करने की जरूरत है। ये टेस्ट स्टिक टू टू द न्यू HSSC पैटर्न होगा और आपका ज्यादातर क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर हैं। टेस्ट का स्टैंडर्ड ऐसा रखा गया है, ना तो मुश्किल है ना ही आसान है, जैसा पेपर में आना चाहिए वैसा ही टेस्ट का लेवल है। कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन अरवाल ऐप को डाउनलोड करें, फ्री टेस्ट का सेक्शन होगा, मेन्यू में जाएंगे, फ्री टेस्ट आपको दिखाई देगा, वहां से आपको ये टेस्ट दे सकते हैं। सिर्फ आज के लिए है, नेक्स्ट फ्री मॉक टेस्ट आपको संडे को मिलेगा। ठीक है, और पेड कोर्स वालों को डेली टेस्ट मिलेगा। चलिए गॉथिक नॉवल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये 5वीं बार वीडियो बना रहा हूँ गॉथिक नॉवल की। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि है ना मेरे भाई, टेक्निकल इशू के कारण अब लगातार बनाते हुए तीसरा अटेम्प्ट है ये मेरा। टेक्निकल कई बार इश्यूज ऐसे होते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, और इसलिए पूरा दिन कल वीडियो नहीं आ पाई एक भी। ठीक है, गॉथिक नॉवल जो होती हैं, गॉथिक नॉवल्स में अगर मैं बात करूं तो पहले एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्रेजेंट सर, और एक शेयर कर दिया करो भाई। देखो इतना ही बोलता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, बकवास हम करते ही नहीं है वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं गॉथिक नॉवल की। गॉथिक नॉवल ऐसी नॉवल्स होती हैं जो आपका हॉरर या टेरर पे सेट होती हैं। उनका जो टोन या थीम होता है वो कैसा होता है, आपका हॉरर का या टेरर का होता है। ठीक है, ग्लूमी या डार्क जोनर के अंदर आती हैं। ये ऐसा जोनर है लिटरेचर का जो कवर करता है हॉरर को, डेथ को, या एट ए टाइम रोमांसेस को। प्री रोमांटिक नॉवल ऑफ टेरर कहा जाता था इनको, जिसके अंदर सुपर नेचुरल या ग्रेट सेंसेशन ऑफ हॉरर का यूज किया जाता था, जैसे विचक्राफ्ट हो गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो गया, सुपर नेचुरल पावर्स हो गया। ठीक है, गोस्ट हो गया, गॉडली मैन हो गए, इस तरह के जो हमारे करेक्टर्स जब नॉवल्स के अंदर यूज किए जाते हैं तो उनको गोथिक नॉवल कहते हैं। बहुत सारी फेमस मूवी इनके ऊपर बनी हुई है, चाहे आपकी ड्रैकुला हो, फ्रैंकेस्टाइन हो, ट्वाइलाइट सागा हो, हैरी पॉटर हो, ये सभी गॉथिक नॉवल के ऊपर बेस्ड हैं। इनके अंदर जो सेटिंग होती है, वो जो ये एनवायरनमेंट दिखाते हैं वो मेडिविल पीरियड का दिखाते हैं। जो इनकी बिल्डिंग होती है वो ग्लूमी होती है, उदासीन सी होती है, रोइंड होती है। ठीक है, खंडर होती है, अबेंडेंट कैसल्स में इनका सेट होता है, यानी कि जो छोड़ दिए हैं कैसल, जिसमें कोई नहीं रहता है। आपने मूवीज में देखा होगा कि एक घर है, भूतिया घर है। क्यों भूतिया घर है, उसमें कोई नहीं रहता है भाई, ऑब्वियसली वो भूतिया हो जाता है, उसमें कोई नहीं रहता है, साफ सफाई नहीं रहता है, तो डरावना तो हो ही जाता है। तो इस तरह का जो सेट होता है ना, वही गॉथिक नॉवल का सेट होता है। पहली नॉवल की कौन सी थी, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, किसने लिखी थी, हॉरेस वालपोल ने लिखी थी, कब पब्लिश हुई थी, 1764। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा याद उसको रखना है। कौन कौन से प्लेसेस का यूज किया जाता है, डार्क कैसल्स, प्लेसेस, चैम्बर्स, हॉन्टिंग मेंशंस। ठीक है, ये ज्यादातर किस सेंस को बढ़ाते हैं, सेंस ऑफ एविल को। ठीक है, वेम्पायर्स का यूज होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का यूज होता है, सुपरनेचुरल एंटिटीज का यूज होता है, रेगुलर मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस या रीअपीयरेंस उसके अंदर होते रहते हैं। इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। ये जब हमारी गॉथिक नॉवेल्स की शुरुआत हुई तो उस टाइम के सबसे तीन इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, हॉरेस वालपोल का द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, क्लारा रेव का द ओल्ड इंग्लिश बयान, मैथ्यू ग्रेगरी 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 लुइस का एम्ब्रोसियो,
या द मॉन्क जो 1795 में लिखा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं फ्रैंकनस्टाइन, बहुत बार आता है, या तो ये द कैसल ऑफ ट्रेंटो आता है पेपर में, या फ्रैंकनस्टाइन आता है और डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है किसने लिखा। मैरी शेली ने लिखा, ड्रैकुला, ब्रैम स्टोकर, स्टेन्स केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, वेरी इंपॉर्टेंट, द पिक्चर ऑफ डॉरेन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड, जेन आयर बाय शार्लेट ब्रॉन्ट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट गॉथिक नॉवेल्स हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स की। हिस्टोरिकल नॉवेल्स की बात करें तो ये एक किसी इवेंट के ऊपर लिया जाता है या किसी हिस्टोरिकल पर्सन के ऊपर लिया जाता है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसने हिस्ट्री में कोई इवेंट क्रिएट किया हो या बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज हो। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, भाई डर लग रहा है कहीं फिर से दिक्कत ना हो जाए उसमें। चलो, ये ऐसे नॉवेल्स होती हैं जो अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री में सेट होती है और आपका इंट्रोड्यूस करती है किसी हिस्टोरिकल पर्सनेज या इवेंट को। ये मैंने बात बता दी है। वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल्स माना जाता है। इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या थे। ये अपने एक नॉवलिस्ट थे। बार्नबी रज नाम की इनकी नॉवेल थी जो गॉर्डन गॉर्डन राइट्स के ऊपर थी, जो इंग्लैंड में हुआ था। एक और है बेस्टिल प्रिजन के ऊपर, हमारी एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, हिज अ टेल ऑफ टू सिटीज। और ज्यादातर ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं वो लंदन और पेरिस में सेट की जाती थी। हमारे इंडियन हिस्टोरिकल नॉवेल्स में, हमारे इंडियन में अमिताव घोष जी की बड़ी अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, और उनकी एक नॉवेल लिखी गई थी 2000 में, बहुत ही ज्यादा फेमस है। कमेंट करके बताओ अमिताव घोष की हिस्टोरिकल नॉवेल में सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल कौन सी है। चलिए, रियलिस्टिक नॉवल की बात करते हैं, रियलिस्टिक जॉनर की बात करते हैं, तो रियलिज्म का इसमें यूज हुआ था। विक्टोरियन एज में जब आपका पोइट्री बहुत ही ज्यादा, लिटरेचर में पोइट्री सबसे ज्यादा फेमस थी, तो उस टाइम के दौरान ही रियलिस्टिक नॉवेल्स का चलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो मुझे एक बार विक्टोरियन पीरियड में सबसे जो फेमस पोइट है, ऐसे दो पोइट का नाम लिख दीजिए, कमेंट में टाइप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, टू पॉइंट्स ऑफ विक्टोरियन एज। ठीक है, ये प्रोडक्ट था रियलिज्म का। रियलिज्म का कैसे प्रोडक्ट था, देखो जो पहले नॉवेल्स लिखी जाती थी ना, रियलिस्टिक नॉवेल से पहले, उनके अंदर जो ऑथर होता था, जो नॉवेलिस्ट होता था, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ज्यादा झलकता था। पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नॉवेल पढ़नी होती थी। रियलिज्म से उसका कोई नाता नहीं था, वो अपने हिसाब से अपने नॉवल की टोन सेट करता था और रीडर को अपने हिसाब से सोचने पर मजबूर करता था। लेकिन रियलिस्टिक नॉवल ने क्या किया, रियलिस्टिक नॉवल ने जो एक्चुअल लाइफ होती है, ज्यादातर मासेस के ऊपर ये बनाई गई, मासेस का यानी जो हमारे ऑर्डनरी पीपल होते हैं उनके ऊपर ये बनाई गई, उनके इंटरव्यूज लिए गए, यानी कि जो रियलिस्टिक नॉवल्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जर्नलिज्म के ऊपर बेस्ड है। जर्नलिज्म मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरे भाई इसके कुछ टोन सेट होते थे, जैसे हेयर एंड नाउ कॉन्सेप्ट का यूज करते थे, जो अभी है जो हो रहा है उसी को हमें दिखाना है। और इसके तीन स्लोगन्स थे, थ्री आइडियोलॉजीज थी, जो क्या क्या थी, रिलाय ऑन रियलिटी, रियलिटी पे ही हमें निर्भर रहते हुए काम करना है, रिप्रेजेंट रियलिटी और रियलिटी को ही रिप्रेजेंट करना है, अवॉइड व्हाट इज अनरियल और सब्जेक्टिव। और किसी भी सब्जेक्टिव मूड का और या किसी भी अनरियल सिचुएशन का हमें नॉवल के अंदर यूज नहीं करना है, डायरेक्टली हमें रियलिज्म को ही बढ़ावा देना है। फर्स्ट रियलिस्टिक इंग्लिश नॉवल कौन सी है, देखो जो पहला है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कैथरीन थी, और ये बहुत ही फेमस हमारे नॉवलिस्ट ने लिखी थी, विलियम मेक प्लेस थैकरे। अब मैरी एन इवांस, जिनका पेन नेम है जॉर्ज एलियट।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेन नेम क्या क्या है हमारे नॉवलिस्ट के, जैसे कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के मैंने आपको बताया था पेन नेम क्या, अगर जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर आपको याद है तो। वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ रियलिस्टिक नॉवल्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा इसकी शुरुआत ज्यादातर किसने की थी, थॉमस विलियम रॉबर्टसन ने। कौन कौन सी फेमस है, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन, द रेड बैज ऑफ करेज स्टीफन क्रेन, हाउस ऑफ मर्थ एल्ट वाटन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजी मिलर हेनरी जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल मार्च बाय जॉर्ज एलियट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार वैनिटी फेयर विलियम मैक प्लेस ठाकरे, ये तो आपके है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे पहले लिखने वाली यही है। देखो आपको अपनी तैयारी को टेस्ट करना है तो 100% आपको टेस्ट देने चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे ये आप स्टैंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।